गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि हम सस्ते पौधे परचेज कर सकते हैं नर्सरी से। यानी नर्सरी जब हम प्लांट परचेज करने जाएं तो कौन कौन से पौधे हमें नर्सरी में सस्ते मिल जाते हैं, इस टॉपिक पे मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही पता होना काफ़ी नहीं होता है कि कौन कौन से पौधे सस्ते मिलते हैं, क्योंकि पौधे तो बहुत है, इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि हम वीडियो बनाने जाएं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है। तो मैं आपको कुछ बेसिक सी टिप्स दूंगी जिसको फॉलो करके आप नर्सरी से पौधे जब परचेज करने जाएं तो आपको वो पौधे कॉस्टली ना पड़े, सस्ते पड़े। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए परचेज करना है प्लांट, जिससे कि हम प्लांट को सस्ता परचेज कर सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है, जो मैंने नोटिस किया है कि जब हम प्लांट परचेस करने जाते हैं तो वहाँ नर्सरी में दो वैरायटी के प्लांट, दो या तीन वैरायटी आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्लांट रखे हुए रहते हैं। एक प्लांट वो जो खुद उन्हें बनाते हैं, तैयार करते हैं, एक वो प्लांट जो उन्हें जो वो कलकत्ता से परचेस करते हैं, यानी कोलकाता से जो प्लांट वो परचेस करके लाते हैं वो, और एक प्लांट वो होता है जो बैंगलोर वैरायटी का जो प्लांट होता है वो। तो फ्रेंड्स, ये तीन तरीके का जो प्रोसेस होता है इसी में दाम का फ़र्क हो जाता है, प्राइस का फ़र्क हो जाता है जो नर्सरी में हमें देखने को मिलता है। जो खुद वो तैयार करते हैं, जैसे कि हम भी अपने गार्डन में तैयार करते हैं, जो कि कटिंग से बनाए, बीज से बनाए, बल्ब से बनाए, तो ये पौधे जो वो खुद बनाते हैं उनकी प्राइस कम होती है। जो पौधे वो कोलकाता से परचेस करते हैं वो पौधे का भी प्राइस काफ़ी हद तक कम ही होता है, बट जो पौधे वो बैंगलोर वैरायटी का लेके आते हैं वो पौधे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अब बात आती है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा बैंगलोर वैरायटी का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली नर्सरी में खुद ही नर्सरी वाले बता देते हैं कि ये बैंगलोर वैरायटी का प्लांट है। अदरवाइज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जितने भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनमें मैक्सिमम प्लांट जो होता है वो बैंगलोर वैरायटी का ही प्लांट होता है। जैसे कि आजकल हाइब्रिड में ढेर सारे हिबिस्कस आने लगे हैं, ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि ड्वार्फ वैरायटी के आने लगे हैं, तो ये सारे बैंगलोर वैरायटी के होते हैं और इनकी प्राइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये है बेसिक सी बात जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब प्लांट परचेस करें। उस वक्त ध्यान रखिए कि हम नर्सरी में जाएं तो हम देसी वाला वैरायटी परचेज करें, उससे हम सस्ते पौधे परचेज कर सकेंगे। नेक्स्ट हमें ध्यान ये रखना है कि पौधे परचेज करने के पहले या पौधे परचेज करने के समय पे हमें इस बात का ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधा किस चीज़ पे लगा हुआ है। पॉलीबैग में लगा हुआ है, पॉट में लगा हुआ है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, कौन सी जगह पे, कौन से मटेरियल में उस पौधे को लगा के नर्सरी वाले बेच रहे हैं। जैसे कि इस तरह के पॉलीबैग जो होते हैं, इस तरह की पॉलीबैग में नर्सरी वाले प्लांट लगा के बेचते हैं। कुछ प्लांट हैंगिंग बास्केट वाले जो होते हैं वो भी पॉलीबैग में ही लगे हुए मिल जाते हैं, बट कुछ वो बास्केट में लगा के बेचते हैं। कुछ प्लांट को फ्रेंड्स छोटे छोटे पॉट में, मिट्टी के गमले में वो लगा के बेचते हैं, तो इसी पे भी उनका प्लांट का जो प्राइस है वो होता है। तो कोशिश यही रखिए कि आप हमेशा जब भी प्लांट परचेस करें तो जो पॉली बैग में लगा हुआ हो वही प्लांट परचेस करिए। पॉली बैग में लगने से प्लांट की प्राइस कम हो जाती है क्योंकि उसमें कॉस्टिंग उतनी नहीं होती है, वो सिर्फ प्लांट का प्राइस होता है। बट जैसे ही बास्केट में लगा हुआ लेते हैं और या पॉट में लगा हुआ लेते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो लगभग डबल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वैसे भी उनकी जो प्लांट, वो जो प्लांट लगा के रखते हैं वो हमें घर आके चेंज करना ही पड़ता है, वो मिट्टी हमें चेंज करनी ही पड़ती है। प्लांट पॉट का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो घर आके हम उसे अपने गार्डन में जब सेट करते हैं तो बड़े पॉट में लगाते हैं, तो जब हमें कंप्लीट चेंज करना ही है तो हम क्यों वहाँ से ज़्यादा पैसा दे के छोटे पॉट में लगा हुआ प्लांट परचेस करें। अगर ऑप्शन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में रहे पॉली बैग में वही प्लांट सेम पॉली बैग में लगा हुआ मिले तो आप कोशिश यही रखिए कि पॉली बैग में लगा हुआ ही प्लांट लें। इसके बाद जो बात ध्यान रखने की है वो है फ्रेंड्स प्लांट का साइज़।
हमेशा आप देखेंगे नर्सरी में प्लांट जो बड़ा साइज़ का होता है उसका दाम ज़्यादा होता है, और जो छोटे साइज़ का प्लांट होता है उसका दाम कम होता है। यानी प्लांट के ग्रोथ पे प्लांट का दाम रखा जाता है। आप छोटे से बेबी प्लांट अगर परचेस करते हैं तो उसका प्राइस 8 से 10 रुपए होता है, या फिर कहीं जगह तो 5-6 रुपए में भी मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होने लगता है, उसकी साइज़ बड़ी होती है, उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, तो नर्सरी में उस प्लांट का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो सीजनेबल अगर प्लांट लेना चाहें तो कोशिश रखिए कि सीजनेबल प्लांट आप छोटे छोटे बेबी प्लांट ही ले, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो कि मैं हर साल विंटर सीजन में यही करती हूँ, मैं बेबी प्लांट परचेज़ करती हूँ जो कि मुझे 6 रुपये या 8 रुपये में मिल जाता है, और वही प्लांट जब इतना बड़ा हो जाता है तो वो प्लांट लगभग 30 या 35 रुपये हो जाते हैं। तो बेबी प्लांट लेने में यही फ़ायदा होता है। कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें कि कलर का हमें पता नहीं चलता है, बट अगर नर्सरी वाला काफ़ी अच्छा हो, जान पहचान अच्छी हो, तो वो खुद ही बता देते हैं, वो खुद ही उस तरह से कलर वाइज समझ के हमें दे देता है। तो कोशिश यही रखिए छोटा पौधा परचेस करने का, उससे भी प्लांट परचेस करते वक्त आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो बात हमें ध्यान में रखनी है प्लांट परचेस करते वक्त, वो ये है कि प्लांट के बारे में जानकारी लें कि वो प्लांट कैसा है, उसे हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं, या बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। तो जो प्लांट आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है या फिर रूट के पास से प्लांट डेवलप होते रहता है, बढ़ते रहता है, तो उस तरह के प्लांट अगर हम परचेस करते हैं तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लांट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एज एग्जांपल ये पैंडानस का प्लांट, ये परचेस करने जाएंगे तो आपको ये लगभग 30 या 40 रुपीज़ में ये प्लांट मिलेगा। बट एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ये प्लांट इतनी जल्दी जल्दी खुद को ग्रोथ में लेता है, इतनी जल्दी इसके बेबी प्लांट्स निकलते जाते हैं कि फिर दोबारा कभी आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से ये है विंका सदाबहार का पौधा, इसे भी अगर एक बार परचेस करते हैं तो दोबारा कभी भी नहीं परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने सीड्स बनते हैं, अगर आप सीड्स को कलेक्ट कर लें तो फिर आप खुद ही उसी से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से गॉम्फ्रिनो है, इसी तरह से अपराजिता है, फिर हिबिस्कस का प्लांट, इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पर्पल हार्ट का प्लांट, ये चंपा का प्लांट, ये प्लांट जो होते हैं ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। फिर जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि ये रेन लिली, तो ये मिट्टी में ढेर सारे बनाता है, तो इससे भी हम ढेर सारे बल्ब, समय समय पे ढेर सारे बल्ब बन जाते हैं इसके, तो उससे भी हम एक से कई सारे बना सकते हैं। तो प्लांट खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ऐसे प्लांट परचेस करें जो कि सीड से बन जाए, या फिर कटिंग से बन जाए, या फिर बल्ब के द्वारा डिवाइड करके बन जाए। तो इस तरह के प्लांट थोड़े सस्ते भी आते हैं, और एक बार इन्वेस्ट करने के बाद इन प्लांट से आप अपने गार्डन में प्लांट को ला के ढेर सारा प्लांट बना सकते हैं। जब हम सीजनेबल प्लांट खरीदते हैं तो उसके सीड्स को स्टोर करके रखते हैं और नेक्स्ट टाइम उसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं। बट काफ़ी सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सीजनेबल होते हैं बट उसे हम सेव करके रख सकते हैं, प्लांट को ही हम सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये कुलैंचू के प्लांट देखेंगे, नर्सरी में परचेज़ करने जाएंगे तो ये ना कुलैंचू के प्लांट 25 से 30 रुपए में ये देसी वाले मिलेंगे, और जो हाइब्रिड वाले हैं ये लगभग 100 के आसपास ये प्लांट मिलते हैं। लेकिन जैसे सीज़न ऑफ होने लगता है, यानी विंटर सीज़न ख़त्म होने लगता है, उस टाइम अगर आप इन प्लांट को परचेस करते हैं तो ये आपको काफ़ी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि इसके फ्लावरिंग जो होती है ये विंटर में ही होती है, इसीलिए ये पूरे साल फोलिएज के रूप में हमारे गार्डन में रहता है, लेकिन फ्लावरिंग विंटर सीज़न में ही करता है। इसीलिए जब विंटर चला जाए, सीज़न ऑफ हो जाए, उस टाइम अगर नर्सरी में आपको ये प्लांट दिखे तो आप ज़रूर परचेस करिए, और इसको सेमी लाइट में रख के आप सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर कटिंग से आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो कि इन्वेस्ट करते वक्त हमें ये
तकलीफ़ नहीं होती है कि हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमने सेव कर लिया तो नेक्स्ट ईयर हमें इसे ख़रीदना नहीं पड़ता है और काफ़ी पैसे हम बचा लेते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें देखना होता है जब हम प्लांट परचेस करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ बातें हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ जब भी मैं प्लांट परचेस करने जाती हूँ। इन सभी बातों का ध्यान रखती हूँ और तभी मैं प्लांट परचेस करती हूँ। उसके अलावा जो प्लांट हम परचेस करते हैं उसमें भी मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ, स्पेशली मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे यहाँ पे बंदरों का बहुत उत्पात है। तो मैं इस तरह के भी पौधे परचेस करती हूँ जो कि बंदर उस पौधे को ना खाए, तोड़े नहीं, बर्बाद ना करे। तो इस बात का भी मैं हमेशा प्लांट परचेस करते वक्त ध्यान रखती हूँ, जो कि जिससे कि मैं अपने गार्डन में प्लांट ला के बंदरों से बचा सकूं। तो यही सब बातें हैं जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती हूं प्लांट परचेस करते वक्त। और अगर आप भी प्लांट परचेस करने जाते हैं और प्लांट की कॉस्टिंग देख के आपको लगता है कि प्लांट का प्राइस काफ़ी हाई है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्लांट परचेस करिए। तो आपको भी काफ़ी हद तक प्लांट सस्ते मिल जाएंगे, सही दाम में मिल जाएंगे और सही क्वालिटी के भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप प्लांट को सेव भी कर लेंगे, अपने गार्डन में प्लांट को सस्ते भी लेंगे और अपने गार्डन में ला के एक से कई सारे पौधे उससे बना सकेंगे। तो ये तरीका अपनाइए और मज़े से गार्डनिंग करिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।